रिलीज हुई मोहल्ला 80, जहां पर इस फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। तो वहीं आप देखेंगे किस तरह का रिएक्शन पब्लिक की तरफ से इस फिल्म को देखने के बाद सामने आ रहा है। क्या कुछ रहा आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। बहुत अच्छी थी मैम फिल्म में स्टोरी अच्छी थी, जो बनारस के बारे में बोला गया वो अच्छा था, एंड उसके कुछ यूनिक वर्ड्स हैं वो अच्छे थे। देन ऑल ऑफ मूवी पूरी ही अच्छी थी, और सनी देओल जी तो पहले से ही अच्छे हैं। एक्शन नो मैम, जस्ट किसी मूवी में मेरे हिसाब से एक्शन मायने नहीं रखता है, क्योंकि स्टोरी पूरी मूवी को ही क्रिएट करती है। अच्छा डायरेक्टर ही एक अच्छी मूवी बनाता है, तो स्टोरी पे ही पूरी मूवी चलनी होती है। तो एक्शन का कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस टाइप की मूवी है तो इसमें एक्शन होना भी नहीं चाहिए था। शायद अगर एक्शन होता तो आई नो कि इतनी अच्छी होती वो। हाँ मतलब कल्चर है वैसा जैसा दिखाया है, तो जो भी प्रेजेंट किया है वो सही प्रेजेंट किया है। मैम देखिए, जो भी है ये मूवी है, और इसमें कुछ तो अलग से मसाले डालने ही पड़ते हैं, तो जो भी अलग से डाला गया वो मसाला है, क्योंकि अगर हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो हम मूवी क्यों देखेंगे। सिचुएशन रियल है, वहाँ की रियल सिचुएशन है, ये होता है। और हाँ सही दिखाया हुआ है, ऐसा होता है शायद, क्योंकि देखते हुए लग रहा था ये कनेक्टेड हैं, लेकिन कहानी धीरे धीरे स्लो होती गई। तो फिर एक कहानी में कहाँ इतना पता चल पाता है बनारस का। बनारस बहुत बड़ा है। आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव तीन दिन है। ठीक है, टाइम पास नॉट गुड, एक्टिंग वाइज अच्छी फिल्म है, कोई स्टोरी लाइनअप नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं, सनी पाजी है, साक्षी तंवर है, सबने काम अच्छा किया, क्योंकि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं सबने बहुत अच्छा काम किया। और कुछ सोशल मैसेज नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि कहानी किसी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुई और एंड में कुछ अच्छा एंड देना दिखाया। काफ़ी अच्छी थी इसी, बहुत सारी सोशल इश्यूज़ को दिखाने के चक्कर में द डायरेक्टर आई थिंक लॉस्ट हिज क्लैरिटी, तो उन्हें हर भले बहुत सारे सोशल इश्यूज उन्हें लेके आ गए स्क्रिप्ट में, लेकिन हर एक पर इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए था, ना कि यू नो जैसे इंग्लिश हिंदी के यूजेज में, जैसे हिंदी को आई थिंक प्रमोट करने के लिए तो क्लैरिटी होनी चाहिए थी स्क्रिप्ट में। सनी देओल, साक्षी तंवर, पीपल लाइक देम, परफॉर्मर लाइक देम कुड हैव बीन मच बेटर इन द फिल्म, लेकिन ओवरऑल इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे जैसे द फिल्म वेंट ऑन सेकेंड हाफ तक यू फेल्ट लाइक क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, तो ओवरऑल ठीक था फिल्म, बट कॉन्सेप्ट कुड हैव बीन मच क्लियर। एज आई सेड, सी सेंसिटिव टॉपिक्स काफ़ी सारे चुने गए उन्होंने, उन्हें एक दिखाना चाहिए था या दो तीन, बट सबको जेला मिक्सअप कर दिया, तो दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट, दैट इज़ वेयर द फिल्म वेंट डाउन, यू नो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वे मच फ्रॉम सनी देओल एंड साक्षी तंवर बीइंग इन द फिल्म, बट ठीक है उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। एग्जैक्टली, सनी देओल हुज़ प्लेइंग पंडित इन दिस फिल्म, एंड क्योंकि बनारस में पूरा शूटिंग किया है, द लोकेशंस कुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ द फिल्म, लेकिन उतनी बखूबी या उतने उम्दा तरीके से नहीं दिखाया गया।